सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। स्वागत है भाई आप सबका फिर से आज के व्लॉग में। अभी गाइस मैं नहा धो के हो गया हूँ तैयार और आज फिर से निकल जाएंगे हाउस हंटिंग पे, घर ढूंढने। वैसे तो जो कल के व्लॉग में घर दिखाए थे ना, वो मेरे को परफेक्ट पसंद आ चुके हैं। तो आज मैं, सिब्बू और स्वाति, हम तीनों जा रहे हैं घर को फाइनलाइज करने के लिए। और आज सब कुछ सही रहा तो आज फाइनलाइज कर देंगे। और आज आपको मैं घर अंदर से भी दिखाऊंगा, बाहर से भी दिखाऊंगा, हर तरीके से दिखाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लोर करवाऊंगा। सो गाइस हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए। आज हम जा रहे हैं घर को फाइनलाइज करने, मैं, स्वाति और सिब्बू। और अभी देखते हैं एक्सयूवी ले जाके देखते हैं आज एक्सयूवी सही चल रही है नहीं। वैसे मेरा मन नहीं है इसको लेके जाने का, क्योंकि इसकी पता नहीं क्या बैटरी में प्रॉब्लम आ रखी है। चल, वो आया था ना बंदा ठीक करने परसों। हाँ, तो अगर बैटरी फिर से ड्रेन हो गई तो फिर नहीं चलेगी। चलाएगा जितना उतना चार्ज, चलाऊंगा, चार्ज तो होगी, पर अगर बीच में प्रॉब्लम दे गई तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। चलो धक्का लगा देगी। चलो गाइस, तो फिर इसी बात पे हम एक्सयूवी लेके चलते हैं आज, और टिगोर पे यही खड़ी रहने देंगे। तो गाइस अभी मेरा सर्वेंट मेरा गेट खोल रहा है। गुड मॉर्निंग। सलाम साहेब, तो चलो भाई एक्सयूवी निकालते हैं और चलते हैं। गाइस एक्सयूवी हमने निकाली तो, पर ये देखो फिर से पंचर है। अंकल आप इसमें जान पूछ के पंचर लगाते हो क्या कि बार बार मैं आऊं फिर? नहीं नहीं, ये एक्चुअली में जो है ना बारिश की वजह से और बार बार पंचर हो रहा है। और यहाँ पे गुड़गांव की रोड की हालत तो देख ही रहे हो, ये खट्टर साहब ने कुछ सोच ही नहीं रहे इसके लिए। अच्छा, और रहा सवाल कि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम ज्यादा चल रहा है, मकान वगैरह की, इस वजह से कील वगैरह बिखरे हुए हैं, पंचर हो रहा है। और आप लोगों को सर प्रॉब्लम होना करना पड़ता है, अब क्या करूं इसमें? इतनी नॉलेज कैसे है, कहां से? सर अखबार पढ़ते हो डेली? आप लोगों से ही लेते हैं थोड़ा बहुत। भैया उस दिन कितने पंचर निकले थे? चार। हाँ, और आज कितने अभी चेक हुए? आज अब चेक कर रहा हूँ ना, चेक करके आपको डिटेल बताता हूँ दो मिनट में। मुझे ऐसा लगता है कि आप जान पूछ के छेद तो नहीं करते कि ये हर दूसरे दिन भैया लगवाने आए? छेद नहीं, वैसे करना हो तो मैं टायर ही चेंज कर दूं ताकि मोटी कमाई हो। पर जो है टायर करने से तो कोई फायदा है नहीं। क्या बता रहे थे आप? आपके पास लोग फोन करके मेरा नंबर मांग रहे हैं। हाँ, एक लड़का नंबर मांग रहा था तो मैं कहा कि भाई मेरे पास तो है नहीं, और आप उनसे ही मिल लो, एक बार बात कर लो। नहीं, आप नंबर वैसे तो है नहीं आपके पास। हाँ, पर बाई चांस आपके पास आ भी जाए तो देना मत भैया। हाँ, परेशान बहुत कर देते हैं बच्चे। हाँ, है ना। हाँ, चलो चेक करो, देखते हैं कितने पंचर निकलते हैं आज। क्या फिर कितने पंचर निकलवा दिए? अब एक निकलवाई है और पहले की जो लगे हुए हैं वो सारा लीकेज हो रहा है। कितने? चारों? हाँ, चार पहले के, अभी एक अभी का, पांच पंचर। पांच पंचर है? यूं कह रहे टायर ही खराब हो गया है। टायर तो खराब पहले बताया था इनको, फिर मैं चला रहा था। अभी आप इसको काम चलाओ कर दो, जुगाड़ करके चला। आप इसे अभी जुगाड़ कर दो, फिर मैं चेंज करवा लूंगा। कोई जुगाड़ करना पड़ेगा अभी, अभी के लिए चल जाए, अभी तो अर्जेंट जा रहे हैं। फिर तुम्हें पता है कितनी इम्पोर्टेंट चीज छोड़ के यहाँ पंचर लगवाने आ रखा हूँ मैं? हाँ पता है। क्या? क्रिकेट। क्रिकेट क्या? इंडिया और पाकिस्तान का मैच है गाइस, एशिया कप का, 3 बजे, और अभी 2:30 बज चुके हैं, अभी पंचर लगवा रहे हम। देखो इंडिया पाकिस्तान का मैच छोड़ के यहाँ पे पंचर लगवा रहे हैं, और ये पंचर लगवाने के बाद भी ये नहीं कि जाके मैच देखेंगे, नहीं, वहां जाएंगे घर देखने। अभी इतनी बड़ी स्क्रीन इसमें थोड़ी चलेगा, कोई भी कंपनी गाड़ी की इनबिल्ट ये फीचर नहीं देती कि मैच चल जाए गाड़ी में, या मूवी चल जाए, या वीडियो चल जाए। एक्सटेंड का रिस्क नहीं होता, आपका ध्यान नहीं होगा। हाँ, वो सेफ्टी फीचर के कारण नहीं देती कंपनी कि एक्सीडेंट वगैरह का रिस्क पड़ जाएगा, इसीलिए वो अलग से लगते हैं वो सारे सिस्टम, जो जिसमें टीवी में टीवी चल जाता है, नेटफ्लिक्स चल जाता है। लगाना चाहिए ड्राइविंग सीट पे, नहीं यहाँ नहीं लगाना चाहिए, आप पीछे ये सीट पे लगा सकते हैं। लोग तो यहाँ भी लगाते हैं आगे भी, तो वो पागल है, वो सच में वो सही नहीं है। कितना सुंदर लग रहा है, देख। कबूतर को दाना डल गए हैं गाइस, कबूतर ही कबूतर है यहाँ, इस चौक पे बहुत कबूतर होते हैं। तार पे देखो कैसे बैठे हैं। हाँ, तार पे देखो, ये इस वाले कोने पे भी, पहले तार पे देखो, रेड लाइट पे देखो, उस साइड देखो, इस साइड देखो, हर जगह कबूतर ही कबूतर। ये कबूतर चौक है इसका नाम, पता आपको? गाइस ये देखो सबसे बड़ा कबूतर, दूसरा कबूतर। मुंह में क्यों घुसा रही कैमरा, ताकि लोग पास से देख सके। तो गाइस पंचर फाइनली लग गए हैं, पांच पंचर निकले, पांच।
और 26 मिनट लगेगी अभी जहाँ पे हम घर देखने जा रहे हैं। अच्छा टॉस हो गया इंडिया पाकिस्तान के मैच का, ग्रीन लाइट हो गई, ग्रीन लाइट हो गई, पाकिस्तान इलेक्ट टू फील्ड। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग ली है। यस, कोई ना फील्डिंग लो या बैटिंग लो, जीतेगी तो इंडिया ही, हर बार ही जीतती है। कभी मुझे तो याद भी नहीं है कभी पाकिस्तान का तुक्का लगाओ। लास्ट में तो बारिश हो गई थी, लास्ट मैच में बारिश हो गई थी, वरना इंडिया ही जीतती वो मैच भी। पर पाकिस्तान भी जीती है कई बार, ऐसा नहीं है कि हर बार इंडिया जीती है, कई बार पाकिस्तान भी जीती है, और ज्यादातर मोस्टली इंडिया ही जीतती है। हाँ मोस्टली इंडिया जीतती है, पर इस बार तो इंडिया ही जीतेगी। आज तो कुछ भी हो जाए देख लेना गाइस, शर्त है मेरी इंडिया जीतेगी। आज पाकिस्तान वालों के टीवी टूटेंगे आज पाकिस्तान वालों के हाँ टीवी टूटेंगे और इंडिया में बम फूटेंगे, मौका मौका हो जाएगा। बहुत मीम बनी है ना कि टीवी तोड़ देते हैं। अरे हाँ, हिमार की सोसाइटी है तो सेक्सी भाई, एक नंबर। पूल दिखाता हूँ चलो। वो ये कितनी गद्दम है घास, बारिश में दबकी सारी। ये देखो गाइस स्विमिंग पूल भी है सोसाइटी में। इस वाली में घर बुक कर दे, डन कर दे गाइस, बताओ आप बताओ। ये भाई इधर जिम भी है, इधर सारे गेम्स वगैरह, अंदर कैरम बोर्ड वगैरह टाइप के जो क्लब में होते हैं। बाकी भाई बहुत सुंदर मस्त सोसाइटी यार। और ये पूल तो मेरा दिल आ गया इस पे, तो ऐसा मन कर रहा है अभी कूद जाऊँ, पर फिर अभी गाड़ी चला के भी जाना है। ये वाला घर देखा हमने, मतलब ये वाला हमने फर्स्ट टाइम देखा अभी, इनने भी साथ में देख लिया। ये किचन एक रूम, ये वॉशरूम, वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है। ये बैक की बालकनी है, ये बैक यार्ड की बालकनी है। देखो फ्रंट की भी दिखाता हूँ, फ्रंट की बालकनी ज़्यादा अच्छी है। 3 BHK है क्या ये? एक दो, अच्छा 3 BHK। ये फ्रंट की बालकनी है, बढ़िया है। ये खड़ी है अपनी XUV 700, इस घर के सामने पार्क है, मस्त है यार, एक नंबर है, सेक्सी। भाई आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपको अच्छा भी लगेगा और बुरा भी। तो बात है, जब मैं स्कूल में था तो मेरी एक टीचर हुआ करती थी जो पता नहीं मेरे से क्यों जलती थी, किलसती थी, मुझे नहीं पता क्यों। तो उसने मुझे बोला था कि तेरी औकात नहीं है कि तू वैगनार तक भी खरीद ले। ये बात मेरे दिल में इतनी लगी तो सबसे पहली गाड़ी जो मैंने ली थी ना वो वैगनार ही ली थी, ताकि ये मिडिल क्लास लड़का उस टीचर को अपनी औकात दिखा सके। तो आज गाइस आप लोगों के प्यार की वजह से, मेरी मेहनत की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से इतनी औकात हो गई है कि वैगनार से लेके सुपरकार तक की जर्नी तय करिए गाइस, और उसमें आप लोग भी इनवाइटेड हो। आप सभी लोगों को भी मेरी सुपरकार की डिलीवरी में आना है, और सुपरकार की डिलीवरी मैं रख रहा हूं गाइस अपने बर्थडे वाले दिन 13 सितंबर शाम के 4 बजे एडवेंचर आइलैंड रोहिणी में। वहीं पे बर्थडे का सेलिब्रेशन होगा, वहीं पे सुपरकार की डिलीवरी होगी, और वहीं पे मीटअप है गाइस, ताकि आप सभी लोग भी आ सको। उस टीचर को भी मैंने इनवाइट किया है, आई होप कि वो टीचर आए और मेरी औकात देखे। आप सबका प्यार, मेरी मेहनत और आपके सपोर्ट की वजह से गाइस साइकिल से स्कूटी, स्कूटी से वैगनार, वैगनार से क्रेटा, क्रेटा से XUV 700, और फिर उसके बाद सुपर कार आ रही है गाइस। मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ गाइस कि आप लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया है। तो आप सभी लोग जरूर आना मेरे सुपर कार की डिलीवरी पे 13 सितंबर शाम के 4 बजे एडवेंचर आइलैंड रोहिणी दिल्ली में। आप सबका वेट रहेगा गाइस। तो गाइस हम ना घर देख के वापिस आ गए थे, और अभी ऊपर से हम लोग दोबारा आए हैं नीचे, और अभी एक और जगह घर देखने जा रहे हैं, क्योंकि अभी एक भाई का फोन आया कि एक मस्त जगह मिली है हमें, एक मस्त घर मिला है जहाँ पे मतलब तुम्हारे मतलब की तुम्हें समझ आएगी। तो वो और देख के आते सिब्बू। मैं तो गाइस सोने वाली थी, बस आंखें मेरी लगी रही थी, तभी वो भैया का फोन आ गया कि देख लेते हैं। वो तो कल के लिए बोल रहे थे, रचित ने बोला भाई मैं कल बिजी हूँ, कल बिजी हूँ गाइस, तो मैंने बोला भाई अभी दिखा दो, तो चलो वो वाला भी देख लेते हैं यार, क्या पता ये वाला समझ आ जाए। हाँ। वैसे तो हमें एक पसंद आ ही रखा है, पर हो सकता है कि ये वाला और अच्छा लगे। हाँ, उससे बेटर हो तो फिर यही पसंद कर लेंगे। राम राम भाई सारा ने। तो आज है मेरा 75 hard day का पहला दिन, पानी पी के फ्रेश हो गया, मैंने कुछ ना करा, और मेरे 75 hard day का पहले दिन ही खत्म हो गया। मजाक कर रहा हूँ भाई, भाई 75 hard day हमारे बस की तो नहीं है यार सच में। बाकी यार अभी बाहर गए थे ना घर वर देखने, तो ये जो भी एंड वाला घर देखा ना, ये तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया, ऐसा लगा जाके टाइम वेस्ट और कर दिया बिल्कुल। वही थोड़ा सा ही लगा जो दिन में हम देख के आए हैं, उसमें से ये एक हमें पसंद आ रखा है, तो होपफुली हम वहीं सेटल होएंगे। बाकी भाई ये जो मैंने सर पे बांध रखा है, ये तो आपको पता ही होगा क्यों बांध रखा है, चलो आज मैं नहीं बता रहा, तुम लोग डेली व्लॉग देखते हो ना, तो तुम बताओ मैंने सर पे कपड़ा क्यों बांध रखा है, बताओ चलो कमेंट करके, देखता हूँ किसको पता है किसको नहीं पता। बाकी गाइज मीटअप बहुत जल्दी है, मतलब
परसों ही मीटअप है 13 तारीख को मेरे बर्थडे वाले दिन, और मीटअप भी है, सुपर कार की डिलीवरी भी है, मेरे बर्थडे का सेलिब्रेशन भी है, खूब मजा आने वाला भाई। कौन कौन आ रहा है जल्दी कमेंट करके बताओ कौन कौन आ रहे हो। और कई कमेंट आ रही है कि भैया हमारा स्कूल है हम कैसे आए, तो भाई इसीलिए तो 4 बजे का टाइम रखा है कि आप अपना स्कूल कंप्लीट करके आ सको। स्कूल की छुट्टी कितने बजे जाती है, 2 बजे 2:30 बजे, तो अपना आराम से 4 बजे तक आओ, हम लोग उधर 4 बजे पहुंच जाएंगे एडवेंचर आइलैंड रोहिणी में। तो 4 बजे आओ अपना आराम से स्कूल वगैरह निपटा के। इसलिए 3-4 दिन पहले से बताना स्टार्ट कर दिया था मैंने आप लोगों को कि अपना भाई टाइम वाइम अपना अरेंज कर लो, मैनेज कर लो, 1-1.5 घंटा भी निकाल सकते हो। कमेंट इतनी अच्छी अच्छी आ रही है कि हमें मिलना है, लेकिन हम आए कैसे, स्कूल है। अरे स्कूल तो भाई 2 बजे तक ही तो होता है, 2 बजे के बाद आओ ना आराम से मिलने के लिए। तो चलो भाई अभी स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेगमेंट RRR। तो पहली कमेंट है डार्क गेमिंग की, रचित भैया मेरा केक काटोगे ना। भाई बिल्कुल काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे, जो भी मीटअप में आएगा, जो भी मीटअप में आके केक लेके आएगा, सबका केक काटूंगा और सबको अपने हाथ से केक खिलाऊंगा। तो आप लोग आओ आओ भाई, मैं चाहता हूं कि आप लोग आओ, मैं आप लोगों से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। मेरे को पता है आप लोग भी बहुत एक्साइटेड हो। तो ये बहाने और ये जो इश्यूज है ना कि कैसे आए, एक कमेंट आई 17 किलोमीटर दूर है। अरे भाई जहाँ मैं गुड़गांव में रहता हूँ ना, यहाँ से एडवेंचर आइलैंड 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, हम लोग वहाँ डिलीवरी लेने जा रहे हैं कि दिल्ली के लोग NCR के लोग आके मिल सके, और आपको 17 किलोमीटर भी दूर लग रहा है क्या। आओ भाई आओ, केक लेके आओ, सुपर कार भाई तुम्हारी भी तो है, आके सुपर कार देखो, मजे आएंगे, एक बार आओ तो सही। पूरा सर्कस ऑर्गेनाइज करवा रखा है, ऐसा नहीं है कि बस वहाँ पे आया गाड़ी ली और चला गया, पूरा शो है उधर, शो समझ रहे हो, पूरा प्रोग्राम फंक्शन सर्कस, पूरा एक कार्निवल है, तो सबको आना गाइज। दूसरा कमेंट है सुमन अंतिल का, रचित भैया सुपर कार की डिलीवरी एडवेंचर आइलैंड में कहा होगा। भाई आप लोग वहां आओगे ना तो आपको पता लग जाएगा, वहां बोर्ड्स वगैरह लगे होंगे, क्योंकि मेरी इवेंट वाले से बात हुई थी, वो कह रहा था भैया मस्त तैयारियां कर दी है, बोर्ड वगैरह हमने तो सब अरेंज कर दिया है। फ्यूजन कार वाले भाई से भी बात हुई थी, कह रहा था बढ़िया तैयारी वैयारी बढ़िया कर रखी है, जोरों शोरों से चल रही है, बढ़िया होर्डिंग वोर्डिंग बोर्ड वोर्ड लगवा दिए। मैं कहा भाई अच्छी बात है यार, तो आप लोगों को पता लग जाएगा, आप जस्ट गूगल मैप पे डालो एडवेंचर आइलैंड और पहुंच जाओ, या फिर आप मेट्रो से आ सकते हो, तो नियरेस्ट मेट्रो है रिठाला मेट्रो स्टेशन। रिठाला की मेट्रो पे उतरोगे ना, मात्र 2 मिनट का पैदल रास्ता है एडवेंचर आइलैंड का। तो आओ भाई आओ, आओगे तभी पता लगेगा ना यार। और पता है जिसको जिसको एक्चुअल में आना है ना, उन्हें तो पता है कैसे करना है क्या करना है। और कई लोग तो कमेंट में ऐसे बहानेबाजी कर रहे हैं कि भाई मिलने का मन है, ये है वो है, लेकिन आ नहीं सकते। भाई जिसको आना है ना, उसको उसने अपनी सारी प्लानिंग ऑलरेडी कर ली है, तो भाई अपना भी मन बनाओ। जिसने मन नहीं बनाया है, बेशक मिलने का मन है, लेकिन घर से नहीं निकलोगे तो ऐसे तो फिर मैं मिल नहीं पाऊंगा ना यार। अब मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है ना, आप खुद सोचो ना कि सब सबके घर पे आके मैं एक एक से मिलूं। तीसरी और आखिरी कमेंट है हरदेव सिंह की, रचित भाई आप सुपर कार की डिलीवरी का व्लॉग बनाओगे प्लीज रिप्लाई, यू आर सो क्यूट। अच्छा मैं क्यूट हो गया, थैंक यू। हाँ व्लॉग बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊंगा, आप लोग आओगे ना आप सबके साथ व्लॉग बनाऊंगा, जितने भी लोग आओगे सब व्लॉग में दिखोगे आप लोग, मजा आएगा गाइज। मतलब व्लॉग तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे मिलने के लिए, तो जल्दी से आना। 13 तारीख 4 बजे एडवेंचर आइलैंड मीटअप प्लस बर्थडे प्लस सुपर कार की डिलीवरी और प्लस मस्ती मौज मस्ती कार्निवल सर्कस फंक्शन, खूब मजा आने वाला है। मिलेंगे वहीं पर, मिलेंगे 4 बजे, ठीक है, सभी पहुंचना गाइज सभी। तो चलो कल मिलते हैं 11 बजे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, ये रहा मेरा यूजर नेम, और आज इंस्टाग्राम पे मेरे 7 लाख फॉलोअर्स भी हो गए, तो अब तो मैं ये बोलते हुए भी अच्छा लगूंगा कि जल्दी से इंस्टाग्राम के ऊपर भी 1 मिलियन फॉलोअर करा दो। तो जल्दी से फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, ये यूजर नेम देख रहे हो 7 लाख हो चुके हैं, 1 मिलियन करवाओ फटाफट से। और सुपर कार आने के बाद ना इतने मस्त मस्त कंटेंट बनाऊंगा ना, आप भी बोलोगे कि भैया मजा आ रहा है अब तो व्लॉग देख के और वीडियोज देख के। तो चलो गाइस कल मिलेंगे, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय श्री राम।